हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिक कंपोजिशन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। आज हम सीखेंगे शार्प कॉर्ड्स बनाना, ओके, मेजर और माइनर दोनों में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको कुछ ओपन और कुछ बार के कॉम्बिनेशन में मेजर और माइनर कॉर्ड्स बताए थे, है ना, ए टू जी तक सारे कॉर्ड्स बताए थे, लेकिन उसका शार्प नहीं बताया था। सो इस वीडियो में शार्प डिस्कस करते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करना है और उसको प्ले कैसे करना है। ओके, सो लास्ट वीडियो की जैसा ही हम करने वाले हैं कुछ लाइंस ड्रॉ, ओके, और उसके बाद सेम जो प्रोसीजर है हम वो फॉलो करेंगे अपना, जो कि है कॉर्ड्स बनाने का। और कॉर्ड्स बनाने के लिए बेसिकली आपको लाइंस ड्रॉ करने हैं लास्ट वीडियो की जैसा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉर्ड की ओर, जो कि है ए शार्प, है ना। और मैं सिर्फ ए शार्प लिख रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ ए शार्प लिखने से ये मेजर होता है, है ना। और हम ए माइनर भी ड्रॉ करेंगे यहीं पे ही, तो यहाँ पे ए एम लिख दूंगा मैं। एक्चुअल में ए शार्प एम होगा, क्योंकि हम शार्प पढ़ रहे हैं ना, अभी शार्प के कॉर्ड्स पढ़ रहे हैं। सो ये होगा ए शार्प एम माइनर। ओके, सो ये तो समझ में आ गया ना, ए शार्प सिर्फ लिखे रहेगा कहीं पर, तो वो आपके गाने का मेजर गाना है, है ना। कॉर्ड जो है आपका मेजर होगा, ये समझ लीजिएगा। और अगर एम लिख दिया है लास्ट में, तो वो स्टैंड्स फॉर एम, स्टैंड्स फॉर व्हाट, माइनर। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉर्ड्स बनाना। सो यू कैन ड्रॉ अलॉन्ग विथ मी, है ना। वी हैव टू ड्रॉ सिक्स स्ट्रिंग्स, सिक्स लाइंस रिप्रेजेंटिंग सिक्स स्ट्रिंग्स। सो एक दो तीन चार पाँच और ये एक छः, सिक्स स्ट्रिंग्स हमने ड्रॉ कर लिया है, और हम इसको क्लोज कर देंगे दोनों एंड से। सो ये हमारा एक कंप्लीट फ्रेडबोर्ड बन जाएगा, रेडी, है ना। अब ए शार्प माइनर है, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका है कि ओपन लगाएं, और एक तरीका है बार। सो मेरे हिसाब से अगर बिगनर लेवल का बात करें और थोड़े अटपटे से कॉर्ड प्रोग्रेशन, कॉर्ड पैटर्न्स में ना जाएं, तो इसको बार में लगाना ज़्यादा इजी रहेगा। तो बार के लिए सिंपल रूल आपको मैंने बताया होगा, जैसे आप एक फ्रेट छोड़ के आगे बढ़ते हैं गिटार के कॉर्ड लगाने के लिए, तो जो खाली वाला फ्रेट है आपका, जो पहला फ्रेट है सबसे पहला, उसमें आपको आपका फिंगर लगाना पड़ता है, फर्स्ट फिंगर बार के जैसा। ओके, तो यहाँ फर्स्ट फ्रेट में बार लगेगा, और सेकंड और थर्ड फ्रेट में आपके कुछ पैटर्न लगेंगे फिंगर्स के, जैसा कि आपने ए मेजर बजाया था, बस उसी को आपको एक आगे शिफ्ट कर देना और बार लगा देना, और फिंगर के पोजीशन चेंज हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले सुनते हैं कि ए मेजर, सॉरी ए शार्प मेजर साउंड कैसा करता है, है ना। तो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। अगर बात करें उसके साउंड स्टेज की, तो शार्प मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ऊंचा सुर है, है ना। कोमल और तीव्र का यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस, है ना। पहले बजाते हैं ए मेजर, ठीक है। ये था कोमल स्वर ए स्केल का, ए नोट का एक्चुअल में बोलना चाहिए वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से, नोट, है ना। स्टाफ नोटेशंस हम डिस्कस करेंगे, तो स्टाफ नोटेशंस में डिफरेंट नोट्स हम प्लेस करते हैं अलग अलग पोजीशन पे, और उसको सॉन्ग के अकॉर्डिंग पढ़ के उसको लाइव प्ले करते हैं। बेसिकली स्टाफ नोटेशन पे आएंगे धीरे से। ओके, सो ये था आपका ए मेजर। अब ए शार्प बजाते हैं, जो कि तीव्र स्वर हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्केल का, उस पर्टिकुलर नोट का, है ना। अभी हमारा स्केल है ए, और हमारा नोट भी लग रहा है ए, और उसके कॉम्बिनेशन में सारे नोट्स लग रहे हैं, बहुत सारे, और अभी लग रहा है ए शार्प का नोट। ओके, तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा, सबसे टॉप वाला स्ट्रिंग म्यूट रखना है ना, बाकी के जो पांच स्ट्रिंग्स हैं नीचे से पांच, मतलब स्मॉल ई, बी, जी, डी और ए, इतने को आपको स्ट्रम करना है ओनली। ओके, ना, और ए मेजर कुछ ऐसा है,
डिफरेंस समझ में आया, कोमल और तीव्र का डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पे। तो चलिए आप ड्रॉ करते हैं उसको, साउंड आपने सुन ही लिया है, तो आप इसको ड्रॉ करने के बाद पोजीशन लगाएंगे तो साउंड आपको क्लियर रहेगा कि आप कुछ गलती तो ना कर रहे हैं। सो कैपिटल ई, कैपिटल ए, कैपिटल डी, कैपिटल जी, कैपिटल बी, स्मॉल ई। अभी फ़िलहाल हम फॉर बिगनर लेवल हम ट्राई करेंगे कि हम स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में ही रहें, और स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में रहते हुए ही, उसके दायरे में रहते हुए ही सारे रूल्स डिस्कस करें जो गिटार में अप्लाई होते हैं। सो ये हो गया हमारा फ्रेट का नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इतने फ्रेट ज़रूरत नहीं है, बट पहला कॉर्ड है और आज का पहला लेसन है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊँ जिस फॉर्मेट में आपको ड्रॉ करना है डायग्राम्स। एंड फ्यूचर में भी अगर मैं फ्यूचर में आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो प्रॉपर एक फॉर्मेट में आप ड्रॉ करेंगे तो आपको भी ईज़ होगा। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ए शार्प मेजर। पोजीशन कुछ ऐसा है कि आपका जो फर्स्ट फिंगर है, मतलब आपका ये वाला फिंगर, ओके, ये फोर फिंगर्स हैं, सबसे ये वाला फिंगर ये लगेगा एस आ बार ऑन द फर्स्ट फ्रेट। तो बार को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से हम लगाते हैं बार, है ना, ये हमारा फर्स्ट फिंगर है, इसको हम वन लिख के ऐसे गोला घेर सकते हैं ताकि हमको पता रहे कि ये फर्स्ट फिंगर है, है ना। फर्स्ट फिंगर लगेगा और ये फ्रेट नंबर हो गया, तो क्लियर हो गया हमारा। अब क्या करना है हमको, हमारा जो ए मेजर लगा रहे थे, हमारे फोर्थ, थर्ड और सेकंड फिंगर्स को जो हम लोग लगा रहे थे, है ना, उसको लगाना है, लेकिन उसको हमको लगाना है थर्ड फ्रेट में, है ना। जो सेकंड में लगा रहे थे ए मेजर बजाने के लिए, लेकिन अब ए शार्प बजा रहे हैं तो उसको हम थर्ड फ्रेट में लगाएंगे, है ना। तो थर्ड फ्रेट में आपका जो पिंकी फिंगर है, जो फोर्थ फिंगर है, वो लगेगा सेकेंड स्ट्रिंग में, ठीक। फोर्थ लिख देते हैं वहाँ पर गोल घेरा करके फोर्थ लिख देंगे, ठीक है। और जो बी स्ट्रिंग का तो हो गया, बी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे लगेगा आपका पिंकी फिंगर, फोर्थ फिंगर, मतलब कि ये वाला फिंगर, ओके। अब आगे बढ़ेंगे जी स्ट्रिंग की ओर, जी स्ट्रिंग में लगेगा आपका सेकेंड फिंगर, सेकेंड लिख के गोला घेर लीजिए वहाँ पर। शायद वीडियो में छोटा लग रहा होगा बट आप समझ जा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब डी स्ट्रिंग के ऊपर आपका लगेगा थर्ड फिंगर, तो थ्री लिख के गोला घेर लीजिए, है ना। सो ये हो गया आपका तीन डॉट्स, है ना। मैं फोकस कर लेता हूँ कैमरा ताकि शायद आपको और क्लियर दिखे। सो इसका पोजीशन कुछ ऐसा है, बहुत ही इजी कॉर्ड है, बार लगाने में आपको इश्यू होगा, आई नो, बट एक बार क्लियर हो गया तो आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। साउंड भी सुना दिया मैंने ए शार्प मेजर का। अब आई ए शार्प माइनर की बात, वेरी इजी, हमको जैसा हम ए माइनर लगा रहे थे वैसे ही ए शार्प माइनर लगाएंगे। तो चलिए अब उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, है ना। यहीं पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ साइड पे ही, एक्चुअल में ये साइड बाय साइड होने वाला है। यहाँ पे हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर लें, उम्मीद है आपको देखने में इशू ना हो तो सही है, नहीं हो रहा होगा उम्मीद है। तो अभी हम 6 स्ट्रिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा डायग्राम बना रहा हूँ तो अगर इश्यू हो तो बताइएगा। एक्चुअल में सही में बहुत तरफ बन जा रहा है डायग्राम, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और दिख भी रहा होगा क्लियर आई थिंक, है ना। सो यहाँ पे अब स्ट्रिंग्स के नाम लिख देते हैं, ई ए डी जी बी और ई, ठीक है। और हमको ज़्यादा या फ्रेट्स की ज़रूरत नहीं है तो हम सिर्फ चार फ्रेट ही बनाएंगे, 1, 2 और 3, 1, 4, ओके, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, है ना। आप प्रॉपर बनाइएगा थोड़ा सा इस तरीके का, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा आगे जाके, है ना। तो अब रही बात ए माइनर की, तो बार तो लगेगा फर्स्ट फिंगर आपके फर्स्ट फ्रेट में, ठीक है। अब पोजीशन कुछ इस तरीके का है कि आप जो ए माइनर लगाते थे, है ना, वही लगाएंगे लेकिन थर्ड फ्रेट में लगाएंगे, और कुछ लगेगा सेकंड फ्रेट में आपका, है ना। ये था आपका ए माइनर का साउंड, है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब आप अगर हम बात करें ए शार्प माइनर की, तो उसका साउंड कुछ ऐसा होगा,
देख रहे हैं ना कैसे कोमल से तीव्र स्वर की ओर हमारा ये कॉर्ड लग रहा है। तो गाने में भी अगर ऐसा कुछ वेरिएशन हो रहा है तो गौर कीजिएगा कि कुछ ऐसा ही कॉर्ड लगा वहाँ पे, है ना। बाकी आगे हम ईयर ट्रेनिंग की भी बात करेंगे इस कोर्स में। सो पोजीशन कुछ इसका ऐसा है कि सेकंड फ्रेट पे आपको अपना सेकंड फिंगर रखना है सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर, ओके, और आपको आपका थर्ड फिंगर रखना है, कहाँ रखना है गेस कीजिए। तो इसको रखना है डी स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड फ्रेट में, है ना, और जी जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर आपको रखना है अपना फोर्थ फिंगर। तो फोर और थ्री करके कुला घेर दीजिए। नेक्स्ट कॉर्ड में प्रॉपर बड़ा बना के बताता हूँ, शायद आपको इश्यू हो रहा होगा छोटे में। सो अब आगे बात करते हैं हम ए और ए शार्प और उसके फैमिली तो कंप्लीट हो गए। सो अब हम बात करेंगे बी मेजर, बी माइनर तो हो चुका था, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं, है ना। बी मेजर एंड बी माइनर, है ना। अब आप बोलेंगे सर शार्प के फैमिली में बी मेजर बी माइनर क्यों नहीं आता, ई के में भी सेम होगा, ई का भी शार्प नहीं होता। एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न कुछ ऐसा है, अगर आप गिटार का जो थ्योरी पढ़ेंगे, एक्चुअल में गिटार का नहीं बोलना चाहिए, आपका जो वेस्टर्न म्यूज़िक का थ्योरी है, तो उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसे जगह भी आएंगे जहाँ पे आपका जो रिलेशन है आपस में सुरों का वो आपको डिफाइन करेगा वो रूल। और यहाँ पे एक्चुअल में वही रूल होता है कि जस्ट लाइक ब्लड रिलेशन, इनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, दे आर सिंगल, इनका कोई आगे पीछे वाला नहीं है। बी मेजर बी माइनर एंड ई मेजर ई माइनर, या बी और ई बोलना चाहिए सिंपल, मेजर माइनर ना लाके अभी। सो बी माइनर का साउंड आपको याद होगा, आप लास्ट टाइम मैंने उनको आपको बताया था, किस में बताया था, बार कॉर्ड्स में बताया था, राइट। सो हमारा ए मेजर, ए शार्प मेजर, उसके बाद आता है बी, है ना। तो अभी हम बजा रहे हैं बी मेजर, साउंड सुनिए। अब आते हैं बी माइनर में, बी मेजर बी माइनर, बेसिकली मैंने जो अभी रिप्रेजेंट किया वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो शुरू में भी होता है, हाई सुर लो सुर, हाई मतलब बोलना चाहिए ऊंचे स्वर और नीचे स्वर, है ना। और सेम गोस विथ आपका स्केल, मेजर और माइनर में डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा है कि एक हैप्पी है एक सैड है, बेसिकली ये डिफाइन करना चाहिए मेजर माइनर को। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए सी शार्प की ओर। बी का तो फंडा आपको समझ में आ गया है, क्लियर है। सो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारे बी के बाद आता है सी, सी शार्प, और क्या होगा, सी शार्प माइनर, है ना। कोई भी कॉर्ड का दो फैमिली होता है, मेजर और माइनर, बेसिक बिगनर लेसन में, बट होते बहुत सारे फैमिली हैं इसके, मेजर माइनर के भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस फैमिली हैं, लाइक सी शार्प
एड 9, सी शार्प 7, सी शार्प डी आई एम, है ना, वो डिमिनिश्ड होता है बेसिकली, डिमिनिश्ड कॉर्ड्स। सो ये एक्चुअल में बनते कैसे हैं उसके पीछे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका सी शार्प मेजर और यह सी शार्प माइनर, एम फॉर माइनर और अगर कुछ नहीं तो मेजर, है ना। अब चलिए साथ में दोनों का लाइंस खींच लेते हैं, 6 लाइंस, एक दोनों तरफ, दो दोनों तरफ, तीन, चार एंड पांच, और ये एक छः, ठीक है। चलिए अब इसमें इसका नेम लिखते हैं, सबसे पहले तो फ्रेट्स बना लेते हैं क्योंकि ये सी है, आपका फर्स्ट सेकंड फ्रेट यूज़ नहीं होगा इसमें, आगे के फ्रेट्स यूज़ होंगे क्योंकि मैं बार में बताऊंगा इसको भी। ओपन में अगर आप सी शार्प माइनर लगाएंगे, लगा सकते हैं बट थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, मैं वो टेक्निक भी बताऊँगा जल्दी। एक्चुअल में ये जो थ्योरेटिकल लेसन है इसके बाद इसी का एक पार्ट प्रैक्टिकल भी आएगा ताकि थोड़ा सा क्लियर हो सके सारे चीज़ें आपके लिए। लास्ट टाइम मैंने जब जो मेजर्स बताए थे उस पर मैंने उसका बस बता दिया था थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल शायद कुछ कुछ बताया था बट अच्छे से नहीं बताया था मैंने। सो इस वाले में हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल और इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल। तो ई बी जी डी ए आपका स्ट्रिंग्स का नाम हो गया, है ना, 1 2 3 4, ये आपके 4 फ्रेट्स हो गए। इसमें भी 4 फ्रेट्स ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा छोटे से बड़ा की ओर ऐसा, या बड़े से छोटे की ओर ऐसा बना सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। इसमें 4 फ्रेट्स बने, इसमें 5th फ्रेट बने ना, कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। जनरली आपको कोई भी कॉर्ड का अगर डायग्राम बनाना है तो 4 फ्रेट्स काफ़ी हैं, 5-7 भी जाता है बट अभी हमको उनका ज़रूरत नहीं है, है ना। सी मेजर तो आपको बहुत ही ईजी लगा रहा होगा, है ना। सी मेजर का जो साउंड था एक बार वो भी आपको सुना देता हूँ मैं, फिर सी शार्प का साउंड कैसा वो सुनाता हूँ। ये सी था आपका सी मेजर, है ना। अब सी माइनर का बात करते हैं तो सी माइनर कुछ ऐसा होगा, सी मेजर सी माइनर, ये मैं बार कॉर्ड्स में बजा रहा हूँ दोनों, और ये ओपन कॉर्ड्स में बजा रहा हूँ सी मेजर। ये ओपन कॉर्ड्स का साउंड सुनिएगा, फिर बार कॉर्ड्स का साउंड सुनिएगा सी मेजर का, सेम साउंड कर रहा है, डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ऑक्टेव का डिफरेंस है बस। बट अकॉर्डिंग टू सॉन्ग आप या तो ओपन बजा सकते हैं या तो बार में बजा सकते हैं, है ना। बेसिकली आपको रिदम प्ले करना है, फिलहाल आप टारगेट ये लेके चलिए कि आप अपने खुद के गाने का खुद का रिदम बजाएंगे, आप खुद गिटार बजाएंगे रिदम और उसी रिदम में आप खुद गाएंगे, आपको इतना कैपेबल बनना है, ओके। सो बहुत ही ईजी है सी शार्प, अगर आप सी शार्प ओपन बजाएंगे तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा, और अगर बार बजाएंगे और सी शार्प माइनर, समझ गए, सा 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 सा, ये डिफरेंस है मेजर माइनर, मेजर माइनर, है ना। तो सी शार्प का जो मेजर होता है वो कैसा लगता है, कहाँ पे लगता है, अब वो पोजीशन जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम ए मेजर लगाते हैं अपने सेकंड फ्रेट में, है ना, ए शार्प लगाते हैं 3rd फ्रेट में, बी है वो लगाते हैं हम कौन से फ्रेट में, 4th फ्रेट में, है ना। तो ये ए मेजर, ए शार्प मेजर, बी मेजर और ये सी मेजर, अब सी शार्प मेजर। अब ये कहाँ कहाँ लगा, तो आपका बार जो है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है, जो बार लगाए थे हम ए शार्प मेजर में जैसा, वैसा ही बार लगेगा, बट लगेगा कौन से फ्रेट में, तो 4th फ्रेट में लगेगा ये। तो हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने डायग्राम पे,
और हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेट को बना देंगे फोर्थ फ्रेट, है ना। इधर है बाकी तीन फ्रेट्स भी हैं, लेकिन हम फोर्थ फ्रेट से अपना डायग्राम चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारे फ्रेट नंबर्स को काट रहा हूँ नीचे के, सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना। तो 4 5 6 7, 4 5 6 7, इसमें एक फ्रेट एक्स्ट्रा, एक फ्रेट को भी काट देते हैं, है ना। थोड़ा मैसी हो गया, बट होप यू अंडरस्टूड, है ना। सो चलिए, अब सी शार्प का केस क्या था, इसको आप ओपन में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट फ्रेट में बार लगाना पड़ेगा, और बाकी जो सी लगाते तो उसको एक आगे बढ़ाना पड़ेगा सारे फ्रेट्स में पोजीशन को फिंगर का, है ना। तो हम बार में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार में आपको इजी पड़ेगा और वहाँ भी बार लगाना पड़ेगा, बट वहाँ पे जो सी का जो स्ट्रेचिंग होने वाला है ना आपका फोर्थ थर्ड और सेकंड फिंगर का, वो ख़तरनाक वाला स्ट्रेच होने वाला है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। मैं वीडियो में बताऊँगा उस चीज़ को, अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला, फोर्थ फ्रेट में बार लगेगा आपका, मतलब ये है आपका फोर्थ फ्रेट, है ना। हमने फोर्थ फ्रेट से ही डायग्राम बनाना चालू किया है, इधर तीन फ्रेट्स ऑलरेडी हैं। अब फोर्थ फ्रेट में आपका लगेगा फर्स्ट फिंगर, ओके, ऐसा साउंड आएगा, ठीक है। सबसे टॉप वाला स्ट्रिंग प्लेन ही करते हैं, तो जो स्ट्रिंग प्लेन ही होता है ना, उसके सामने ऐसा क्रॉस लगा सकते हो आप, ठीक है। क्रॉस दिख रहा होगा, होप सो, और सारे अल्फाबेट्स भी दिख रहे होंगे, सारे नंबर्स भी, सारा पोजीशन भी। सो अब बार तो लगा लिया हमने फोर्थ फ्रेट पे, अब बाकी का पोजीशन क्या है, तो फिफ्थ फ्रेट को छोड़ दीजिए जहाँ पर पोजीशन डॉट होता है ना, उसके बाद होता है सेवन्थ फ्रेट में। तो सिक्स्थ फ्रेट में आपको आपके थ्री फिंगर्स लगाने हैं, फोर्थ थर्ड एंड सेकंड फिंगर्स, है ना। तो ये कैसा पोजीशन हो गया आपका, ए मेजर वाला ही पोजीशन हो गया, है ना। उसी को आगे बढ़ाना है आपको, लेकिन सिक्स्थ फ्रेट में लगाना है और बार लगाना है फोर्थ फ्रेट में। तो जो आपका सिक्स्थ फ्रेट है ना, आप गिनिए सिक्स्थ फ्रेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सिक्स्थ में लगा लीजिए अपना। बी स्ट्रिंग में फोर्थ फिंगर, मतलब आपका पिंकी फिंगर ये वाला, और जी स्ट्रिंग में लगा लीजिए थर्ड फिंगर, और डी स्ट्रिंग में लगा लीजिए अपना सेकंड फिंगर, ओके। सो और बार लगा लीजिए आपके फोर्थ फ्रेट में फर्स्ट फिंगर को। तो आपका ये हो गया सी शार्प मेजर। अब लगाना है सी शार्प माइनर, पोजीशन सेम रहेगा, सेम टू सेम यही पोजीशन रहेगा, बस एक फिंगर उठा के चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं फोर्थ फ्रेट में अपना बार, उसके बाद फिफ्थ फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर लग जाएगा अपना कौन सा फिंगर, तो लगेगा थर्ड फिंगर, ओके। और सिक्स फ्रेट में जो हमारा जी स्ट्रिंग है उसमें कौन सा फिंगर लगेगा, गैस, जी स्ट्रिंग में लगेगा हमारा पिंकी फिंगर, फोर्थ फिंगर, और हमारा जो थर्ड फिंगर है वो लगेगा डी के ऊपर, और जो सेकंड फिंगर है वो लगेगा बी के ऊपर। सो चलिए फिंगर का बात करते हैं, फिंगर कहाँ कहाँ लगेगा, बहुत ही सिंपल है। आपका जो फिफ्थ फ्रेट है वहाँ पे सेकंड जो फिंगर है आपका, मतलब ये वाला फर्स्ट सेकंड, सेकंड वाला फिंगर लगेगा फिफ्थ फ्रेट पे बी स्ट्रिंग के ऊपर, ओके। और जो आपका जी स्ट्रिंग है और जो डी स्ट्रिंग है उसमें लगेगा आपका पिंकी फिंगर और उसके बाजू वाला फिंगर, मतलब आपका फोर्थ और थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर लगेगा आपका जी स्ट्रिंग के ऊपर और थर्ड फिंगर लगेगा डी स्ट्रिंग के ऊपर, समझ गए। और जो सेकंड फिंगर है वो लग रहा है आपके बी स्ट्रिंग के ऊपर फिफ्थ फ्रेट में, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये तीन फ्रेट में लग रहे हैं ये कॉर्ड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉर्ड की ओर, अब हम बात करेंगे डी शार्प मेजर और माइनर का, है ना। तो ये अपन ओपन में बजा सकते हैं और बार में भी, बट हम बार में बजाएंगे, इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा होगा बार का प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही टफेस्ट जॉब है एक नए बिगनर के लिए। तो डी शार्प मेजर और माइनर के लिए हम 6 स्ट्रिंग्स ड्रॉ करेंगे हमेशा की तरह।
आप भी ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, इट विल सेव सम टाइम बोथ ऑफ अस, राइट? सो ये रहे हमारे चार स्ट्रिंग्स, और ये पांचवा, और ये छठवां। थोड़ा सा डायग्राम मेरा रफ है, होपफुली आप कंफर्टेबल हैं मेरे हैंड राइटिंग से और बाकी के चीज़ों से। जो भी कंप्लेन होगा आप कर सकते हैं, नो इश्यूज, और होपफुली मैं कम्युनिकेट प्रॉपर कर रहा हूँ आपके साथ। ई ए डी जी बी एंड ई, ओके, ई बी जी डी ए एंड ई। और हमेशा की तरह इसमें भी हम फर्स्ट फ्रेट से चालू नहीं करेंगे, वो सारे फ्रेट्स इधर इमेजिन कर लीजिएगा आप। हम चालू करेंगे कौन सा फ्रेट से, गेस करेंगे? बहुत इजी है ये भी। आपका जो डी था, अगर आप उसको लगाएंगे, किस में लगाएंगे? बार में लगाएंगे, तो डी मेजर कुछ ऐसा साउंड करेगा। और डी माइनर मेजर माइनर, ठीक है? अब मेजर माइनर का साउंड सुना दी, अब डी शार्प में क्या करना है आपको? बेसिकली आपको लगाना है अपना बार, जो आपका फर्स्ट फिंगर है, उसको कौन से फ्रेट में? तो लगाना है सिक्स्थ फ्रेट में। सिक्स्थ फ्रेट गिनिए, 1 2 3 4 5 एंड सिक्स्थ। सिक्स्थ फ्रेट आएगा, आपके पोजीशन डॉट्स के हिसाब से गिन सकते हैं आप चाहें तो। तो हम इसको 5 6 7 8 नाम देंगे, ठीक है? समझ गया मैं क्यों दे रहा हूँ 5 6 7 एंड 8। इधर आगे का इमेजिन, मतलब पीछे का इमेजिन कर लीजिए आप ना, इधर 4 3 2 1 भी है यहाँ पे, ओके। अब हमको सबसे पहला काम क्या करना है, सिक्स फ्रेट में बार लगा देना है, ठीक है? सिक्स फ्रेट कौन सा होता है? तो पोजीशन डॉट देखिए, दो पोजीशन डॉट छोड़ के आगे, जस्ट एक फ्रेट आगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सिक्स फ्रेट में लगाइए बार, बार लगेगा हमारा फर्स्ट फिंगर। सेम गोस विद डी शार्प माइनर, सिक्स फ्रेट में ही लगेगा आपका बार। अब आप बोलेंगे सर आप शार्प अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, साथ में ही पढ़ा सकते थे। इसके पीछे रीज़न ये है कि शार्प शार्प साथ में पढ़ाने में और वो अलग पढ़ाने में आपको क्लियर रहेगा चीज़ें। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी डी शार्प लगा रहा हूँ तो बार लग रहा है सिक्स्थ में, अगर इसी को मैं डी लगाता तो फिफ्थ में बार लगता। होप आप समझ पा रहे हैं मेरा बात, है ना? अब पोजीशन सेम रहेगा यार, डी शार्प में क्या होगा, एक फ्रेट छोड़ दीजिए, आगे के फ्रेट में तीन फिंगर्स रखना है, 4 3 2 और 1 तो यहाँ लगा हुआ है, तो साउंड कुछ ऐसा आएगा। ये था डी शार्प मेजर, और माइनर रोंदूस आवाज़। माइनर में बहुत ही सिंपल फंडा है, जो हमारा बी स्ट्रिंग है वहाँ पे हमको रखना है अपना सेकंड फिंगर, और जो हमारा जी स्ट्रिंग है उसमें रहेगा हमारा फोर्थ फिंगर, और जो थर्ड फिंगर है वो रहेगा डी स्ट्रिंग के ऊपर। तो ये बन गया हमारा डी शार्प माइनर। डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, क्लियर है? चलिए, हो गया डी शार्प क्लियर। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, किसकी तरफ? अब आगे बढ़ेंगे हम, ई का तो होता नहीं कुछ शार्प, तो एफ में, एफ शार्प मेजर और एफ शार्प माइनर। बार कॉर्ड्स लगाएंगे, दो जगह लगा सकते हैं, एक तो बहुत आगे है ना, 12 फ्रेट से पहले थोड़ा, और एक तो शुरू के ही फ्रेट्स में, शुरुआती फ्रेट्स में ही, तो शुरुआती फ्रेट्स में ही लगाना ज़्यादा इजी रहेगा, तो वहीं लगाते हैं। ये हो गया एफ शार्प, इसके बाद जी शार्प, फिर सारे कॉर्ड्स कंप्लीट। होपफुली मैं इसी पेज पे कंटिन्यू करूँ तो क्लियर रहेगा। एफ शार्प जी शार्प मेजर माइनर, और ये तो सारा शार्प का मेजर माइनर है ना।
ई बी जी डी ए एंड ई। होपफुली अभी तक का सारा क्लियर है आपको कॉर्ड्स, है ना। तो हम लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, पोजीशन कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो ई के बाद तो ई का शार्प नहीं होता। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ई मेजर कहाँ बजेगा और ई माइनर कहाँ बजेगा, वहीं पे ही एक फ्रेट आगे बढ़ जाइए तो एफ आ जाता है और एफ मेजर एफ माइनर। ठीक, अब एक आगे और बढ़ेंगे फ्रेट, एफ शार्प माइनर एफ शार्प मेजर। इसमें आपको बार लगाना है आपके सेकंड फ्रेट में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रेट, पांच फ्रेट बना लेते हैं और यहाँ पर एक फ्रेट कम बनाया मैंने, 4 3 2 एंड 1। तो हमारा जो बार है वो लगेगा सेकंड फ्रेट में दोनों केस में, क्योंकि हम शार्प ड्रॉ कर रहे हैं, शार्प स्केल पे चल रहे हैं। लगेगा हमारा फर्स्ट फिंगर जो होता है हमारा ये वाला फिंगर, है ना, ये ऐसा लगेगा बार कौन से फ्रेट में, तो सेकंड फ्रेट में। अब ये तो क्लियर हो गया। अब माइनर का केस क्या है, एफ शार्प माइनर में जो आपका फोर्थ फिंगर है फोर्थ फ्रेट में और जो थर्ड फिंगर है वो भी फोर्थ फ्रेट में, कहाँ कहाँ लगेगा, तो लगेगा आपका ए और डी के ऊपर। डी के ऊपर फोर्थ फ्रेट में आपका फोर्थ फिंगर लगेगा, मतलब पिंकी फिंगर, और जो थर्ड फिंगर है वो लगेगा ए के ऊपर सेम फोर्थ फ्रेट में। ठीक, और मेजर के केस में, एफ शार्प मेजर के केस में आपका जो जी स्ट्रिंग है थर्ड फ्रेट में ये वाला, यहाँ पे लगेगा आपका सेकंड फिंगर और बाकी फोर्थ फिंगर लगेगा आपका डी स्ट्रिंग में फोर्थ फ्रेट में और थर्ड फिंगर लगेगा ए स्ट्रिंग के ऊपर फोर्थ फ्रेट में ही, है ना। साउंड सुनिएगा, पहले बता रहा हूँ मैं एफ शार्प मेजर, और एफ शार्प माइनर, चलिए अब ये तो क्लियर है। अब बनाते हैं जी शार्प, ये था हमारा जी मेजर, सुनिए। ठीक है, मेजर माइनर दोनों मैंने प्ले किया अल्टरनेट। अब शार्प का बात आता है तो सिंपल सा फंडा है, बार लगेगा एक फ्रेट आगे होके जो हम लगा रहे थे उसी में ही। तो चलिए अब वो भी ड्रॉ करते हैं, फिर ये लेसन यहीं कंप्लीट करते हैं। कॉर्ड्स को ड्रॉ करने से और उसके बाद उसके पोजीशन को देख के वापस से पोजीशन आपको प्रैक्टिकल लगा के प्ले करने में इंजॉय कीजिएगा इस प्रोसेस को। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग में ये पैटर्न हमेशा के लिए बैठ जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे पता ये पैटर्न को अगर आप ड्रॉ करके बना रहे हैं तो। और अगर आप यही सेम चीज़ इंटरनेट से देख लेंगे और बस उस समय के लिए देख के लगा लेंगे पैटर्न, बाद में इसको ड्रॉ नहीं करेंगे या कहीं नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक हाथ से नहीं लिखेंगे, एक्चुअल में ये बोलना चाह रहा हूँ, ड्रॉ नहीं करेंगे खुद से, फील नहीं करेंगे कि एक्चुअल में कॉर्ड्स में हो क्या रहा है, तब तक यार याद नहीं होगा ना मज़ा आएगा। और कोशिश कीजिए धीरे धीरे जो आपका क्या बोलना चाहिए माइंड है उसको ये समझाइए कि इस वाले नोट का ना साउंड ऐसा होता है, जी शार्प का ऐसा साउंड होता है, जी का ऐसा होता है, बी का ऐसा होता है। इसको बोलते हैं हम ईयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ईयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज का कोर्स भी होता है जो कि वेरी इजी है यार, कुछ मतलब ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको करना वही है कि आपको ध्यान लगाना है, कॉन्सनट्रेट करना है, आँख बंद करके कॉर्ड्स बजाना है, है ना, और फिर सोचना है कि ये कॉर्ड्स है क्या। आँख बंद करके कोई भी कॉर्ड्स लगा लो बिना देखे, बिना जाने कि ये कॉर्ड क्या है, और गैस करो साउंड कि ये साउंड कौन सा है, गेम खेलो अपने साथ। वैसे भी अभी के समय में जितना एंटरटेनमेंट हो उतना अच्छा है। सो अब आते हैं जी शार्प मेजर और जी शार्प माइनर की ओर। वेरी इजी है,
आपका जो फोर्थ फ्रेट है उसमें लगेगा आपका बार, है ना। पहले मैं साउंड सुनाता हूँ एक बार, जी शार्प मेजर, यह था जी शार्प माइनर और जी शार्प मेजर, ठीक है। तो लगेगा फोर्थ फ्रेट में बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर एक दिक्कत हो गया कि हमने फ्रेट का नंबर थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, फर्स्ट से ले लिया है जबकि हमको ज़रूरत था थर्ड से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ लिख लीजिए इसको, सॉरी फॉर दैट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके। सो अब लगेगा हमारा बार फोर्थ फ्रेट में, हमारा जो फर्स्ट फिंगर है वो लगेगा फोर्थ फ्रेट में, ओके। मेजर माइनर, तो और बाकी का जो पोजीशन सेम एफ शार्प जैसा कॉपी कर दीजिए, सेम, बस फ्रेट नंबर चेंज हो जाएगा बाकी सेम रहेगा। अब कॉपी करने से मेरा मतलब है पोजीशन कॉपी कीजिए, ओके। सो मैं बता भी दे रहा हूँ साथ में, सिक्स फ्रेट पे डी स्ट्रिंग के ऊपर में आपका लगेगा पिंकी फिंगर, फोर्थ फिंगर, और ए स्ट्रिंग के ऊपर लगेगा आपका थर्ड फिंगर, और सेकंड फिंगर लगेगा फिफ्थ फ्रेट में जी स्ट्रिंग के ऊपर। ये था साउंड। अब आते हैं जी शार्प माइनर की ओर। माइनर में आपको पता है वो फिंगर हटा देना है, एक तो जो ये वाला फिंगर है आपका, इसको हटा देना है यहाँ से, बाकी पोजीशन विल बी द सेम, सिक्स फ्रेट में आपका डी और ए स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड एंड फोर्थ फिंगर। वेरी इजी था ये वाला भी लेसन भी, होपफुली आपको समझ में आया होगा सारा पैटर्न। कुछ भी डाउट्स है डू कॉल मी, डू मैसेज मी। सो थैंक्स फॉर दिस सेशन, होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल दी कॉर्ड्स, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ओके। सो प्रैक्टिस दिस एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स वी विल डिस्कस, ओके। टेक केयर गाइस, हैप्पी लर्निंग।